है अभद्र टिप्पणी को लेकर आजम खान को सांसद पद से बर्खास्त कर दिया जाए। बीजेपी सांसद रमा देवी ने कहा कि स्पीकर से मांग करती हूं कि वो आजम खान की जो सदस्यता है संसद की उसको बर्खास्त कर दें। आजम खान का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते। मुझे हंसी भी आई कि ये नौटंकीबाज यहाँ सांसद बनकर आया है, ये महिलाओं को किस नजर से देखता है, ये सारा जग जाहिर है। कहीं ऐसा नहीं है कि ये आदमी कभी भी महिलाओं को इज्जत किया। जैसे जया पर्दा को इलेक्शन में हम लोग भी लड़ते हैं, महिला भी पुरुष भी लड़ते हैं, लेकिन लड़ने का और कहाँ जगह पर बैठने का जो जगह है उसका भी वो मर्यादा नहीं रखने वाला आदमी को वो संसद में रहने का अधिकारी नहीं है। उसको तो या तो रिजाइन करना होगा या तो मैं अध्यक्ष से जाकर कहूंगी कि इस पर कोई कार्रवाई करे, कि इस तरह की अगर बातें किया है तो माफी मांगे। तो माफी मांगने की बात की जा रही है, कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। अब्दुल रजाक खान, इस बार तो एक्शन होना चाहिए सर। आप भी इस आवाज को ज्वाइन करेंगे, आप भी कहेंगे कि हाँ भाई, महिलाएं देश की आधी आबादी, इस बार एक्शन होना चाहिए। आजम खान का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। अदिति जी, मुझे ये लगता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि कल जब सदन में ये बात हो रही थी तो अध्यक्ष महोदय को कुछ भी बुरा तो नहीं लगा था। वो तो अर्जुन मेघवाल जी ने बात उठाई थी तो तब जाकर के रविशंकर प्रसाद जी ने उसको कोरस की थी। सर एक सेकेंड मुझे बताइए, आजम खान ने जो टिप्पणी की आपको उसमें कुछ अभद्र दिखा या नहीं दिखा, बस इतना बता दीजिए आप मुझे। क्या अभद्र है जब वो अब्दुल रजाक खान, आऊंगी मैं आपके पास, लेकिन इस समय उससे बड़ी तस्वीरें आ रही हैं। श्रीनगर का बदामी बाग, जहां पर कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिन्हें द्रास जाना था, खराब मौसम की वजह से जा नहीं पाए, वहीं से तस्वीरें समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो कर्नल दानवे सिंह, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, और मेरे लिए तो जब कारगिल की बात होती है तो कैप्टन पत्रा को भूल नहीं पाती मैं। ये दिल मांगे मोर, और दूसरा या तो तिरंगा फहराकर आएंगे या तिरंगे में लिपट कर आएंगे। देखिए, भारतीय सैनिकों का जोश, भारतीय सैनिकों का मोटिवेशन और उनके शौर्य कि जब बात होती है तो मेरे ख्याल से वो कभी भी किसी भी लड़ाई में और किसी भी वक्त कभी कम नहीं पाया गया। और इस प्रकार की इसी चीज़ की जीती जागती मिसाल एक ये कारगिल की लड़ाई बन गई, क्योंकि ये एक पहली लड़ाई थी जो कि लोगों ने टीवी पर देखी, घर घर ये लड़ाई पहुंची। और जैसा कि आप बता रही हैं विक्रम बत्रा की वो फेमस लाइन कि दिल मांगे मोर, तो बिल्कुल हाँ, ये पूरी लड़ाई की जब कहानी सुनते हैं, जब पूरी कहानी, जब इस लड़ाई को हम रीविजिट हर साल करते हैं, तो जरूर हमारे सबके दिलों में एक श्रद्धापूर्ण भाव भी आता है, जोश भी आता है, और नए बच्चों में देश प्रेम की भावना भी बढ़ती है। तो ये सब देखते हुए ये बहुत अहम है कि इस प्रकार के जो सेलिब्रेशंस हैं वो हम